तो साहब आजकल प्रदेश में चौहान की चौपाल जम रही है, कहीं भजन हो रहे हैं तो कहीं। तो कहीं बाटियां सिक रही हैं। कभी चलती ट्रेन में गाना बजाना तो कभी गांव में रम जाना। लगता है कि मामा अब लोगों की परेशानी का समाधान गाना बजाना करके कर रहे हैं। शिव का ये अंदाज ब्रह्मास्त्र है, जिसे चलाने में वो कभी पीछे नहीं हटते। कुल जमा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सक्रियता बरकरार है। मामा जानते हैं कि कैसे सुर्खियों में बने रहना है। शिव का हर दौरा इवेंट बन जाता है। देखिए ना, मंदसौर में बाढ़ पीड़ितों की हक के लिए धरना दिया, जो कुछ देर बाद गाने बजाने के कार्यक्रम में हो गया तब्दील। न्योछावर उड़ी तो लगे ठुमके। जब शिवराज नसरुल्लागंज पहुंचे तो कमलनाथ सरकार की वादा खिलाफी को लेकर वहीं जम लिए। बाटियां सिकी तो जम कर हंसी ठिठोली भी हुई। जानकर आश्चर्य होगा कि विपक्ष में रहने के बावजूद शिवराज सत्ता पक्ष से ज्यादा मीडिया के केंद्र में रहते हैं और यहां बेचारी सरकार अपनों में उलझी पड़ी है। तो भैया कुछ साल पहले शिवराज पांव पांव वाले भैया के नाम से मशहूर हो गए थे, तो अब नया नाम मिला है, उफ, इवेंट वाले मामा।